चलिए आज हम जानते हैं कि सीलिंग फैन में चार वायर का जो तार होता है उसमें हम कंडेंसर जो इसमें 225 250 का कंडेंसर जो सीलिंग फैन में लगता है ऊपर पंखा में। तो देखिए इस प्रकार हम इस ऊपर पंखे में इस कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। अगर ये कभी छूट जाता है या कभी खोल लेते हैं या किसी वायर कनेक्शन, तो इसमें दो रनिंग और दो स्टार्टिंग का वायर होता है। ये लाल कलर वाला रनिंग का है और दो एक काला कलर वाला स्टार्टिंग का। तो रनिंग और स्टार्टिंग को एक को शॉर्ट कर देना है हमें और बचेगा एक रेड कलर का वायर, वहाँ पर इस कंडेंसर का एक पॉइंट को कनेक्ट कर देना है और एक काला कलर में कंडेंसर के पॉइंट को कलेक्ट कर देना है इस प्रकार। तो देखिए इस प्रकार कनेक्शन करके हम अब इसमें इनपुट देंगे दो वायर में। इसमें हो गया है तीन कनेक्शन, तो इसमें का एक कनेक्शन देखिए काट देते हैं इसको ताकि वो किसी को शॉर्ट ना हो। तो देखिए अब इसमें तीन कनेक्शन है, तीनों कनेक्शन में दो कनेक्शन में इनपुट देना है हमें। तो सबसे पहले हम जो रेड और ब्लैक का वायर जो रनिंग और स्टार्टिंग का वायर शॉर्ट है वहाँ पर रेड कलर है वहाँ पर एक पॉइंट देंगे और एक जहाँ रेड का वायर कनेक्ट है जो रनिंग से कनेक्टेड होता है वहाँ पर एक पॉइंट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए रेड रेड पे कनेक्ट किए तो ए उल्टा घूम रहा है, इस प्रकार से उल्टा घूम रहा है। ये सीरीज का वायर है तो इस प्रकार से उल्टा घूम रहा है, इसको ऐसे घूमना चाहिए सीधा। तो सीधा घूमने के लिए हम रेड रेड के वायर को अब चेंज कर देंगे, उसको एक्सचेंज कर देते हैं। तो देखिए इसमें जो रेड लगा है उसको यहाँ और इसका यहाँ, तो कंडेंसर के वायर को निकाल के हम इसको इस वायर में करेक्ट कर देंगे। रेड वायर को इस रेड में उसको चेंज कर देना है, इसे चेंज करेंगे और उसके बाद टच करके देखेंगे तो ये सीधा घूमेगा। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं अच्छी तरह से। अब इसको देखेंगे इस वायर के साथ, दोनों वायर के साथ उसका कनेक्शन होता है कि नहीं। तो इसको हम अब इस सीरीज पॉइंट में रख देंगे, लगा लेंगे और इसे सावधानीपूर्वक देखिए रेड रेड में टच करेंगे तो ये सीधा घूम रहा है और स्पीड इसका बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन अब सही राउंड है। तो इस प्रकार से हम इसके उल्टा और सीधा किसी प्रकार से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ये रेड रेड का वायर यहाँ पर कनेक्ट होगा, इसमें का एक वायर बचा है, यहाँ पर नट नहीं था तो इसको मैं स्लीव की मदद से इसको अब पैक कर देता हूँ, जिसकी अभी हमें इसको इनपुट नहीं देना है। एक कंडेंसर का वायर का कनेक्शन है जहाँ स्टार्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर जॉइंट को इसे नट में टाइट करते हैं। तो नट नहीं है तो इसको मैं स्लीव से लगा लेता हूँ इस प्रकार, ताकि ये किसी से शॉर्ट ना हो और इसका कनेक्शन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे तीन वायर का कनेक्शन होता है जिसमें दो वायर अंदर से ही शॉर्ट होकर निकला हुआ होता है और दो वायर कैपेसिटर का होता है। और यहाँ पर एक वायर जो कनेक्शन दो वायर का शॉर्ट हम बाहर में किए हैं वो अंदर से निकलता है, वो तीन वायर वाला कनेक्शन होता है। तो उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे मैं डाला हूँ, देखिए अब इसको ऑन करके देखेंगे। देखिए तो हम इस को एक सीरीज के इस वायर टू पिन वायर में कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और उससे मैं पेचकस में पकड़ लेता हूँ सावधानी से। और देखिए यहाँ पर जो रेड रेड का दिया थे वहाँ पर अब इसको देखिए इनपुट दिया तो ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमाते हैं, ये गिर जाएगा। तो इस प्रकार का कनेक्शन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से।